नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो भाई नंदी महाराज के ऊपर, और भाई चैंपियन नंदी मुजफ्फरनगर मेले का काफी अच्छा और शानदार नंदी भाई अपने नितेश जी के फार्म हाउस से हम वीडियो कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ नंदी महाराज पे होगी हमारी। और भाई दोस्तों नंदी का जो महत्व है हम सबको पता है कि भाई हमारे जीवन में सबसे जो अमूल्य है वो नंदी महाराज हैं। और भाई दोस्तों शिव के बगैर नंदी भी अधूरे, और नंदी के बगैर भाई शिव भी अधूरे, और नंदी खुद शिव के बगैर अधूरा। भाई दोस्तों काफ़ी अच्छा कहते हैं भाई हमारे जो सनातन धर्म है भाई नंदी का जो महत्व है अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र में। दादा खेड़ा के नाम से भी भाई हम इसको बोलते हैं, खेड़े के नाम से भी भाई पूजा जाता है नंदी महाराज। तो मिलवाते हैं सुरेश भाई से। सुरेश भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। सुरेश भाई साहब एक बार इस नंदी महाराज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें आप। यो आप ले है जी रोहतक से। रोहतक से, हाँ, डेयरी फार्म पर। पुराना डेयरी फार्म से अपने हरियाणा ब्रीड का। अच्छा, और चैंपियन भी रह चुके हैं। चैंपियन काफी अच्छी ब्लड लाइन से। हाँ बढ़िया बता रहे हैं जी, बिल्कुल। तो इसकी जो इस नंदी की माँ है वो भी आप आई लेके आए। हाँ, वो अपने पास अंदर अंदर है। अंदर है, वो भी दिखाओगे। वो भी दिखाएंगे। कितना रिकॉर्ड रहा है इस नंदी महाराज का, इसकी माँ का जो रिकॉर्ड आगे बात करा आप। इसकी माँ का जी संतुलन काट दिया था, 18 में पास हुई थी, फिर भी उसके बाद भी लगभग 18। वो जो आप कई बार अपने मेला में सुना था कि भाई खुराना की गाय का जो थन काट दिया था, उसी का ये बेटा है। अगर भाई अगर आप इसकी बात करें, अगर हम क्वालिटी की बात करें दोस्तों, काफी अच्छे हम क्वालिटी के साथ और एक हैवी टेस्टिकल साइज के साथ। ये देखिए भाई दोस्तों, अच्छे टेस्टिकल साइज के साथ, हैवी टेस्टिकल साइज के साथ भाई। और एक तो न्यार खायन लग रहा था, इसका थोड़ा हो करेगा। अगर आप बात बिल्कुल शांत शांत सभा होगा, जमा शांत है। ये देखिए भाई ऊपर कुकरे फेरे जाओ खुर्रा। और हाँ, फेरे जाओ खुर्रा, फेरे जाओ, कोई दिक्कत कोई वो नहीं है। शांत सभा होगा, सौम्य सभा जो आप कह दे सुरेश भाई, जमा बिल्कुल जी बिल्कुल। और दोस्तों एक चीज बता दो, जैसे जो गर्दन पे आप ब्लैकनेस देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ भाई दोस्तों एक सेकंड। थोड़ा गर्मी करके निकल जाएगी सारी की सारी, ये पहले बिल्कुल काली थी है गर्दन, बिल्कुल काली थी है। और आगे ये फिर हो जाएगी, ये सर्दी के बाद थोड़ा बदलाव आवा है, उसके बाद दोबारा फिर ऐसे हो जाएगी। अगर आप जो गर्दन पे जो ब्लैकनेस की बात करें तो दोस्तों ये इसमें बोला जाता है कि भाई जिस भी नंदी की गर्दन थोड़ा डार्क हो तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हाई होता है। हाई, और काफी अच्छी क्वालिटी का एक नंदी महाराज है। सुरेश भाई अपने साथ में खड़े, और सौम्य स्वभाव दोस्तों आप देख सकते हो, बिल्कुल लपार पूर पर कहीं भी रखेगा। वो खुला फेर लो, हाथ फेर लो, हाथ फेर लो, तो मैं सब कोई कुछ भी शांत स्वभाव। ये तो बिल्कुल न्यार खानदाट आया है। हाँ। तो भाई खाना खाते हुए भी भाई जो अगर अपने इतना सौम्य स्वभाव में है तो काफी अच्छा नंदी है। अगर आप बात करें दोस्तों, देख सकते हो आप सुरेश भाई के साथ, रिकॉर्ड भी बढ़िया है इसका, रिकॉर्ड काफी अच्छे रिकॉर्ड का। हाँ। और चैंपियन भी रहा है कई मेलों में। हाँ, चैंपियन रहा है। तो काफी अच्छा भाई दोस्तों, मैं इसकी माँ भी दिखा देता हूँ। सुरेश भाई माँ और दिखाए एक बार भाई, माँ और बेटा दोनों को ही सुरेश भाई और नितेश भाई अपना फार्म पे लेके आए है। मैं आपको माँ दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए काफी अच्छी गौ माता। ये इसकी माँ है, ये भी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत। अगर सुरेश भाई अगर आप एज की बात करा, कितनी एज होगी इस गौ माता की? इसके लगभग 8-9 साल का लगभग होगी। 8-9 साल के लगभग, बिल्कुल। ये थन काट रहा है इसका, ये काट गया था मेले में भाई दोस्तों, ये चीजें बिल्कुल थन काट दिया था, ये देखो जड़ से ही काट दिया गया, जड़ तक काट दिया था। एक महीना बाद बताओ था अगला ठीक होया है। उस टाइम भी इसकी तो भाई मेरा में आसपास निकल गया था। ये चीजें भी हो जाती है भाई कई बार, इतने अच्छे दूध हो के जाती है, तो मूर्ख आदमी के काम है, कड़ा भरा के बिना नहीं। और या के ले लीजिए बेचारे किसी का, बिल्कुल सही बात। गौ के साथ तो ऐसा करना, अगला अगला 100 बार हो उसका वो कहेगा उसके कदला निपट लेंगे, जो कुछ भी करना था। इसका क्या कसूर था बेचारी का, इसका गाय का क्या कसूर था, बिल्कुल शांत बेचारी। नहीं तो हाथ भी कुलान दे। देखो मैं दिखा, तो नीचे वो निकल जाओ बेचारी, कोई दिक्कत नहीं, दिखा भी देता हूँ भाई दोस्तों। एक थन भाई बिल्कुल ये रहा कट रहा है, यहाँ से थन को काट दिया गया था मेले में, बिल्कुल जड़ से काट दिया था।
तो भाई दोस्तों ये चीजें जो जिस भाई ने भी करी होगी भाई काफी गलत, गौ माता के साथ ये करना दोस्त आदमी के काम है और वो सही तो ये काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बेकार आदमी है जो स्त्रियों के काम करा है। बिल्कुल भाई, और उसके बाद भी यूं देखो ना कितनी शांत है, शांत एकदम। हाँ, क्योंकि पशु का अगर थन कट गया दोबारा हाथ भी नहीं लगाने देगा जिंदगी में। लेकिन बिचारी में फिर भी इतनी शराफत है। ये देखो गुणवत्ता देखिए भाई, ये देख लो, ये देखो किसी तो ऊपर नीचे कुकरे भी नीचे वो निकल जाओ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सो जिसमें तो न्यार खान जी है, अभी न्यार कर था थोड़ी देर पहले, आज मैं भी थोड़ा लेट था। सोम्य स्वभाव की गौ माता भाई दोस्तों, और रॉयल्टी और लॉयल्टी दोनों ही फार्म में बिल्कुल तला था ऊपर तक। ये देखिए भाई, कुकरे नीचे था ऊपर तक। ये देखो, ये देखो भाई, खुरो से लेके चेक कहीं पे भी आप कहीं भी बिल्कुल कहीं भी ले लो। ये देखो भाई, शांत स्वभाव, पूंछ पे सिर पे मुंह पे कहीं भी रख लो। ये देखो लॉयल्टी के साथ रॉयल्टी भी भाई, मैं आपको उसमें मारवाड़ी ब्रीड की एक नुकरी, ये देखिए नुकरी घोड़ी आपा जिसकी बात करा, और साथ में प्योर ब्लैक, काफी अच्छी अच्छी घोड़िया भाई दोस्तों। ये भी इतनी शांत है, शांत स्वभाव की, इसमें तो एक एक साल एक खूंटा बंदियां दी हो गया। पूरा पूरा साल लगभग। तो सुरेश भाई फार्म अपना लगभग रेडी हो गया उधर? हाँ रेडी हो गया जी, बस लगभग। तो अब शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है? हाँ भेज दी सेट 65 गाय तो, 65 का लगभग भेज दी, 65 के लगभग गाय नए फार्म पे जा चुकी है, जा चुकी है। बड़ी भी जा रही है जिसमें तब विषय के बाकी छोटी अपनी बछड़ी तैयार कर है नहीं करके, हाँ हाँ हाँ, वो लगभग 40-42 के आसपास लगभग जा रही है, वो भी जा रही है। हाँ वही भेजिए 24 तारीख ने, 24 तारीख को है। तो भाई दोस्तों एक वीडियो 25 दो दिन में भेजी थी मैंने, एक वीडियो फार्म पे कवर करेंगे। जब तक मैं एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ इसी फार्म की, ये देखिए भाई काफी अच्छा गोवंश है, ये देखिए और साफ सफाई, ये देखिए री दोहाती चुंगा हुआ है या दोया ना दूध पिलावा है, दोहाती दूध पिलावा है दो बछड़ी भाई। ये देखो भाई दोस्तों, और जिसमें से इसकी कौन है, ये कौन सा है भी? दोनों इसकी नहीं है, इसका तो बछड़ा था दे दिया, वो तो ले गया इसका, इसका बछड़ा था। हाँ वो ले गया, वो इसका बराबर का था, ये दोनों चुंगे करते या बछड़ी और बछड़ा, दोनों सेम एक उसके थे, एक उसमें। हाँ बद्री के हैं दोनों, दोनों बद्री, या भी बद्री की है वो भी बद्री, वो भी बद्री का। ये देखिए भाई, अरे दोनों बछड़िया अलग अलग गाय की, वो बछड़ी उस गाय की है या नीलम की है, ये दो नंबर, वो नीलम पे दो नंबर पे, यानी कि दोनों बछड़िया इसकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोस्तों देख सकते हो शांत स्वभाव की, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए भाई गाय को माँ का दर्जा दिया गया, जो दूसरे बच्चे को भी अपना बच्चा समझे। और देखिए भाई आप शालीनता सौम्य स्वभाव इस गौ माता का भी, और दोनों गाय अलग अलग गायों की बछड़िया है, लगभग 6-6.5 महीने की ब्याई हो गया, अब भी दोनों बछड़ी छिका है, अब भी दोनों बच्ची छिका, तो अच्छी दूध की दोनों छोड़ रखी है। तो काफी अच्छी भाई गौ माता इस पर छोड़ रखी है। और भाई दोस्तों नए फार्म पे भी वीडियो जल्दी कवर करेंगे, तो भाई दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक, बस आने वाला टाइम वो भी परमात्मा जरूर देगा। बिल्कुल बिल्कुल आने वाला समय जल्दी भाई कवर करेंगे, तो जल्दी से जल्दी, और सुरेश भाई हमको वही मिलेंगे तो वही वीडियो कवर करेंगे आप एक बार और। तो भाई दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद है, बोले दो चुंगा है आपका आती तो देश की चुंगा, दोनों अलग अलग चुंगा दिखाना था या अलग अलग नहीं करने लग रही है, दोनों बछड़ी अलग गाय की है बिल्कुल शांत है, कोई वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। राम राम भाई, राम राम भाई, भाई क्या हुआ परेशान लग रहे हो? भाई सब कुछ खिला दिया और सभी तरह का फीड भी, मगर गाय तंदुरुस्त नहीं लग रही। स्काईलार्क फीड खिलाओ गाय को। क्या फायदे है स्काईलार्क फीड के? स्काईलार्क फीड के फायदे, बाईपास फैट सहित, दूध उत्पादन व प्रजनन प्रणाली में सुधार, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर, एक समान स्वाद और गुणवत्ता वाली फीड। स्काईलार्क फीड खिलाओ और पशु को हर बीमारी से बचाओ और दूध की क्षमता बढ़ाओ। थैंक यू भाई स्काईलार्क के बारे में बताने के लिए, आज से मैं स्काईलार्क का फीड ही यूज करूंगा। और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो www.skylarkfeeds.com, और इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। संपूर्ण पोषण दूध की बहार।